एवरीवन, मैं हूँ सुमन शशिकांत और आपका हमारे सुमन शशिकांत किचन में फिर से स्वागत है। तो आज मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा आटा लेके आई हूँ। डॉक्टर ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं शुगर पेशेंट्स को कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खिला, तो आप लोग मार्केट से बड़े महंगे महंगे मल्टीग्रेन के आटे लाते हैं। आज मैं आपको घर में ही मल्टीग्रेन आटा बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हैं इसमें हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें लगेगा 2 चम्मच ज्वार का आटा, 1.5 चम्मच सूजी, 2 चम्मच जो गेहूं होता है ये उसके छिलके हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, 2 चम्मच मक्के का आटा और 2 चम्मच है ये बेसन का आटा और स्वाद अनुसार नमक। हम सारे आटे इसमें डाल लेते हैं। मल्टीग्रेन में आप चाहें तो अपने हिसाब से सोयाबीन, चना ये भी आप डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर यदि हम ये सब चीज़ें डालना चाहते हैं। लेकिन मैंने वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है जो बड़ी आसानी से घर में मिल जाती है और हम इसे शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया आटा गूंथ सकते हैं। और अब हम गूंथेंगे आटा। ये देखिए ये आटा मैंने गूंथ लिया है और इसकी रोटी थोड़ी सी मोटी बनेगी जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। मैं भी मेरे घर में मेरी मम्मा को यही रोटियां खिलाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में ये रोटी ज़रूर ट्राई करें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं, ये बड़ी ही हेल्दी होती है। सो, ये आप लोगों को घर में ट्राई करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ हर किसी को खाना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।